वन भगवान की। बड़ा सुंदर महाराज यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि हुआ। भगवती अन्नपूर्णा ने स्वयं भिक्षा प्रदान की है। भिक्षा लेकर के गुरु जी के पास में गए तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा, बोले भिक्षा बहुत अल्प है, कम है, तो फिर बोले और भिक्षा करके लाओ। गुरु जी अब कहाँ जाएं भिक्षा करने, तो बोले पृथ्वी लोक में भृगु कच्छ नामक स्थान पर दैत्यराज बलि विशाल यज्ञ कर रहे हैं और ब्राह्मणों को यथोचित स्वागत करते हुए खूब दान पुण्य कर रहे हैं, तो वहां जाओ और जाकर के राजा बलि के यहां से भिक्षा लेकर के आओ। श्री वामन भगवान गुरु का आदेश प्राप्त करके राजा बलि के यहां पधारे और जैसे ही महाराज वामन भगवान का दर्शन किया, यज्ञशाला में दूर से वामन भगवान को आते हुए देख करके राजा बलि इतने प्रसन्न हुए, ऐसा सुंदर ब्राह्मण आज से पहले कभी देखा ही नहीं। दौड़ करके आए और आकर के महाराज चरणों में गिर गए, हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन क्यों करवाम ते ब्रह्म ऋषीणाम तप साक्षात मन्ये त्वार्य बपुर्धरम। दिव्य महाराज वंदना की है, आइए भगवान आपका स्वागत है, आज मेरा यज्ञ ही सफल हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरा परिवार धन्य हो गया, अद्यनः पितरस्तृप्ता अद्यनः पावतम कुलम अद्य सुष्ठः क्रतुरयम् यद् भवान् आगतो गृहान्। आप जैसे महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, मेरी यज्ञशाला में पदार्पण हुआ, मेरा यज्ञ ही सफल हो गया, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री वामन भगवान कह रहे हैं, बोले मैं जानता हूं मैं तुमसे कुछ कहूं कुछ मांगू और तुम उसको पूर्ण न करो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मुझे अत्यधिक किसी वस्तु की लालसा नहीं है। नहीं नहीं आप बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूं। गाम कांचनम गुणवदधा ममृष्टम तथान्न पेयमतवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धान स्तुरगान गजानवा रथास्तथा रत्तमसं प्रतीच। आप कहें तो आपको सोना चांदी हीरे मोती माणिक से भर दें। वामन भगवान बोले, राम राम, हम ठहरे ब्रह्मचारी, हमको इन सब की क्या आवश्यकता, अकेले आदमी इन सब का क्या करेंगे, वो अकेले है ना इसलिए जरूरत नहीं है। तो एक काम करें, तथान्न पेयम उत्वा विप्रकन्याम, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं, कहिए तो किसी अच्छे से ब्राह्मण की कन्या से आपका ब्याह करा दें, घर में पंडितानी आएंगी तो अपने आप चीजों की जरूरत पड़ेगी सब। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो ना, बोलते नहीं हो आप लोग, और जोर से जय जय श्री। देखो दुनिया में हर चीज में कंजूसी कर ले, ऊपर ठाकुर जी को नाम लेवे में कंजूसी मत करे करो। हाँ, एकमात्र यही तो चीज है जो फ्री में मिले हमारे हैं। मीरा जी कह रही ना, खर्च न होवे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवार। कुछ लगता नहीं है तो आपका विवाह करवा दें। वामन भगवान बोले, राम राम राम, कैसी बात कर रहे हैं, हम ब्रह्मचारी आदमी क्या करेंगे विवाह करके, और झंझट, अकेले ज्यादा सुख है। तो एक काम करें, आपके लिए बहुत सुंदर सा रथ सजवा करके दे दें, आप जहां जाएंगे उस रथ में बैठ करके चले जाना। वामन भगवान बोले, नहीं नहीं हमें यह भी नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या, बोले देखो हम जानते हैं तुम विरोचन के पुत्र हो, प्रहलाद के नाती हो, तुमसे जो मांगेंगे तुम जरूर दोगे। पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद्विद्वान् द्विजवत्सल, जो मांगूंगा तुम दोगे, लेकिन मुझे अधिक किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बस खड़े रह करके थोड़ा भगवान का नाम ले लिया करूं, उस लायक अगर जगह मिल जाए, अगर तुम देना चाहो तो मुझे। तस्मात् त्वत्तमहीमीषद वृणेहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदाम। अगर देना ही है तो तीन पग भूमि दे दो। राजा बलि बोले, भगवान जितने आप खुद छोटे से उतनी आपकी बुद्धि भी छोटी सी, हम इतना कुछ देना चाहते हैं पर आप तीन पग भूमि मांग रहे हैं। अरे हमसे गांव मांग लेते, नगर मांग लेते, हम तो सब देने को तैयार थे। वामन भगवान बोले, देखो हम क्या करेंगे ज्यादा लेकर के,
दो पैर खड़े रहने के लिए चाहिए, और कभी कभी एक पैर अगर दुख जाए तो पैर बदलने के लिए तीसरे पैर की जगह मिल जाए बहुत है। अच्छा, यहाँ तीन पैर से तात्पर्य क्या? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भगवान के क्या तीन पैर थे साहब, पैर तो दो ही थे लेकिन तीन पैर मांगे उन्होंने, तीन पग भूमि मांगी है, पैर दो ही थे, तीन नहीं थे। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। हमसे पूछ लिया एक जगह महाराज जी ऐसी कथा में, बोले एक बात बताइए, तीन पग भूमि मांगी थी तो वामन भगवान के क्या तीन पैर थे? बहुत से लोग ऐसा सोच भी लेते हैं, तो ऐसे नहीं कि तीन पैर है, तीन पैर नहीं थे, पैर तो दो ही थे। बोले ठीक है महाराज, आपको जहां से इच्छा हो वहां से आप ले लीजिए तीन पग भूमि। बोले ऐसे नहीं लेंगे, तो बोले संकल्प करो, बिना संकल्प के नहीं। हाँ, आज तो आपने साहब दान कर दिया, बोले ये जमीन हमने मंदिर के नाम पे दान कर दी, हमने महाराज जी को दे दिया, और कल जमीन के रेट बढ़ गए, आप तो महाराज रहे नहीं, आपके बच्चों ने मुकदमा ठोक दिया। बोले बाबा जी खाली करो, हमारे बाप दादा की जमीन है, अब इसको प्लॉट करेंगे, इसमें है अब फ्लैट बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो रजिस्ट्री होनी चाहिए कि नहीं? पहले जमाने में साहब कोर्ट वाली तो रजिस्ट्री होती नहीं थी, उस समय संकल्प होता था। देखो कोई भी काम करो साहब, पक्का काम करो, ये ठाकुर जी सिखा के गए, कच्चा काम तो कभी करो ही मत, बाद में पछताना पड़े है? वो वाली बात हो जाए ना, खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। तो साहब जो काम करो पक्का करो, बोले संकल्प करो। ठीक है महाराज, संकल्प करवा लो। संकल्प की बात जैसे ही गई अंदर, महाराज के शाला में गुरु जी बैठे थे, शुक्राचार्य जी इतनी देर से सुन रहे हैं, मन ही मन विचार किया ये कैसा ब्राह्मण है, हमारा चेला सब कुछ देने को तैयार है, ये लेने को ही तैयार नहीं है, ऊपर से मात्र तीन पग भूमि मांगी, ये कोई साधारण तो हो नहीं सकता। दोनों नेत्र बंद किए और महाराज जैसे ही ध्यान लगा करके देखा ये है कौन, तो सामने देखा साक्षात भगवान विष्णु है। दौड़ करके आए, आकर के तुरंत रोक दिया, अरे बलि इसको कुछ मत देना, क्यों? एश वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरभ्य कश्यप अदितेर जाता देवानां कार्य साधक। जानते नहीं हो, ये साक्षात विष्णु का अवतार है, कश्यप अदिति का पुत्र बन करके आया है, तीन पग भूमि में तुमसे तीनों लोक ले लेगा, कुछ मत देना। राजा बलि हाथ जोड़ के कह रहे हैं, गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, अगर आपको ये पता चल ही गया है कि ये साक्षात भगवान श्री हरि हैं और जानबूझ करके आप मना कर रहे हैं, जिस गोविंद के दर पे पूरी दुनिया मांगने जाती है, वो गोविंद आज मेरे दर पे आए हैं मांगने, मैं उनको खाली हाथ कैसे लौटा दूं? आपको तो ये चाहिए था कि आप ये कहते। बोले बलि आज तुम्हारे बहुत भाग्यों का उदय हुआ है, जो भगवान तुम्हारे दर पर मांगने आए। भगवान हर जगह मांगने नहीं जाते, किसी अवतार में भगवान ने मांगा नहीं साहब, एकमात्र यही अवतार है जहां भगवान मांगने आए। अरे दुनिया क्या कहेगी, राजा बलि के दर पर भगवान मांगने आए और भगवान ने उनको खाली हाथ, और बलि ने उनको खाली हाथ लौटा दिया। मेरा अगर सर्वस्व भी लुट जाए तब भी मैं आज भगवान को खाली हाथ नहीं जाने। शुक्राचार्य को महाराज क्रोध आया, तो गुरु की अवज्ञा करता है, जब हम तुझे श्राप देते हैं तो श्रीहीन हो जाएगा। गुरु का श्राप महाराज सरोधार कर लिया, लेकिन गोविंद के चरण गुरु का त्याग कर दिया, गुरु का श्राप यहां पर स्वीकार किया, लेकिन महाराज यहां गोविंद के चरण नहीं छोड़े। गुरु श्राप देकर के चले गए, राजा बलि को किंचित भी दुख नहीं हुआ, क्यों? अगर आज मैंने गुरु की बात मानी तो मेरा धर्म मुझसे रूठ जाएगा, मैंने वचन दिया है, और धर्मम रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो अपने स्वस्वार्थ के लिए धर्म का महाराज त्याग कर देता है इस संसार में महाराज उसकी बड़ी निंदा होती है। जल मंगवाया, लेकर के महाराज जैसे ही जल हाथ में है डालने लगे तो कमंडल की नाल में से जल गिरा ही नहीं। क्या हुआ? शुक्राचार्य जी चले तो गए थे लेकिन सूक्ष्म रूप धारण करके उस कमंडल की नाल में जाकर के बैठ गए।
बोले ना जल गिरेगा ना हमारे चेले का कुछ जाएगा, लोभ आ गया मन में। अब जल गिरता नहीं तो वामन भगवान बोले कुछ इसमें लगता है कि फंस गया है, एक काम करो उसको साफ किया जाए। अब साफ कैसे करें, शुद्ध जल है तो कुशा का आसन बगल में था, एक कुशा निकाली उसमें से राजा बलि से, बोले लो अच्छे से इसको साफ कर दो। बलि ने कहा प्रभु आप ही कर दो। ठाकुर जी बोले अच्छा ये शुभ काम हमारे ही हाथों से होना है। ठाकुर जी ने जैसे ही महाराज वो कुशा अंदर डाली इस कमंडल के नाल में, हमारे शुक्राचार्य जी क्या कर रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे क्या होता है बाहर, बस सीधे जाकर के एक आंख में लगी और वही एक आंख गोविंदा ये नमो नमो फूट गई साहब। आप चिल्लाते हुए बाहर निकले, अरे मेरी आंख फोड़ दी हमको काना कर दिया। श्री ठाकुर जी हंसने लगे, भैया तुम तो नाराज होके चले गए थे, वापस क्यों आ गए इसमें, हमने सोचा हमारे चेले का कुछ जाएगा नहीं। ओ अच्छा दान धर्म में तुम बाधा दे रहे थे, ध्यान रखना शुक्राचार्य इस संसार में जो दान धर्म में करता है मना उसको हम ऐसी कर देते हैं काना। इसलिए कोई अगर दान धर्म करे तो बीच में कभी भी उसको टोकना नहीं चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। कोई कह रहा है बोले अरे यहाँ कथा चल रही है हम वहाँ इतने हजार रुपए का दान कर रहे हैं, अरे इतना कर रहा है 10 कर रहा है क्या, 11 कर और उसको प्रोत्साहन करो। बोले दुर्गा पूजा हो रही है इस बार दुर्गा पूजा में हम 2000 दे रहे हैं, 2000 क्या होता है, बोले 2100 दे, 2500 दे, जितना हो सके प्रोत्साहित करो, कभी भी रोकना टोकना नहीं चाहिए। ये तो साहब चले गए नाराज होकर के, हाथ में जल लिया संकल्प किया है और संकल्प करके जैसे श्री ठाकुर जी के हाथों में छोड़ा, देखते ही देखते भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। एक चरण महाराज ऊपर की ओर बढ़ाया है तो ऊपर के 7 लोक नाप लिए, एक चरण नीचे की ओर बढ़ाया है तो हमारा नीचे के 7 लोक नाप लिए। राजा बलि 3 लोकों के स्वामी थे, भगवान ने 14 लोक नाप लिए, तीसरा चरण अभी भी बाकी रह गया है। श्री वामन भगवान कह रहे हैं बोले बलि तुमको नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने कहा क्यों, तुमने वचन दिया है 3 पग भूमि का और तीसरा चरण अभी बाकी है, इसको कहां रखूं। बड़े सुंदर भाव से चरणों में बैठ करके राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना करी, बोले प्रभु एक बात बताइए, इस संसार में दान बड़ा है या दानी बड़ा है। भगवान ने कहा निश्चय ही दानी बड़ा है, अगर दानी ना हो तो दान होगा कहां से। तो प्रभु इस दानी ने अपना सब कुछ तो दान कर दिया लेकिन स्वयं अभी बाकी है। यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतम तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरुशीष्णि मेरज। आप अपना तृतीय चरण तीसरा चरण मेरे माथे पर रखें। जैसे ही कहा श्री ठाकुर जी ने अपना तीसरा चरण माथे पर रख दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही माथे पर रखा राजा बलि धन्य हो गए, प्रहलाद इत्यादि सब प्रकट हो गए, जय जयकार करने लगे। श्री प्रहलाद जी स्वयं कह रहे हैं बोले प्रभु ऐसी कृपा तो आपने हम पर भी नहीं की, ऐसी कृपा तो हम पर भी नहीं की, आपने हमें गोद में बिठाया लेकिन हमारे माथे पर अपने चरण नहीं रखे। दिव्य भगवान की स्तुति की, श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए, राजा बलि से कहा बलि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, जाओ आज से तुम स्वतल लोक में वास करोगे और तुम्हें कुछ मांगना हो तो मुझसे मांग लो। राजा बलि ने कहा प्रभु जिनके श्री चरणों को प्राप्त करने के लिए अनंत कोटि युगों तक जीव तपस्या करते हैं वो श्री चरण मुझे इतने सहज ही प्राप्त हो गए, मुझे और किसी वस्तु की लालसा नहीं है, बस आपके चरणों का अनुराग बना रहे। श्री ठाकुर जी ने कृपा करी और कहा बोले अब तुम्हारे वंश में जो भी जन्म लेगा उसको मैं अपने हाथों से कभी नहीं मारूंगा और यही नहीं आगामी मन्वंतर में तुम इंद्र बनोगे। बलि पर कृपा करी, श्री बलि भगवान का दिव्य महाराज गुणगान कर रहे हैं, दिव्य गायन कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के श्री वामन भगवान का थोड़ा सा वंदन कर लें। वामन हमारे मुख्य यजमान श्री नारायण राय चौधरी जी हमारे बाबूजी और रीता माता जी आकर के भागवत जी का यहाँ पूजन करेंगे, श्री वामन भगवान के रूप में पूजन करेंगे।
और इधर हम सब मिलकर के बामन भगवान का थोड़ा सा गुणगान। बामन को भेष बना के चलो रे, ये तो राजा बलि के द्वार। बामन को भेष बना के चलो रे, ये तो राजा बलि के के बाद दो शब्द आपके साथ। बामन को वेश बनाए के चलो रे, ये तो राजा बलि के द्वार। वेश बनाए के चलो रे, ये तो राजा बलि के राजा बलि के द्वार। बामन को वेश बनाए के चलो रे, ये तो राजा बलि के द्वार। बामन को वेश बनाए के चलो रे, ये तो राजा बलि। आमन को वेश बनाए के चल रे, तो राजा।
चलो राजा बनी के राजा बलि के बाद राजा बलि के बाद राजा बलि के बाद राजा बलि के बाद बोलिए बावन भगवान की जय जय श्री राम निताई गौर हरि श्री सुखदेव जी ने इस प्रकार दिव्य वामन अवतार की कथा का वर्णन श्रवण कराया। हम सबके मध्य में परम पूज्य मैं अपनी वाणी से कैसे क्या कहूं, जितना कहा जाए उतना ही कम है। परम पूज्य श्री रामगोपाल शास्त्री जी महाराज मेरे पितृतुल्य मेरे गुरुतुल्य पूज्य महाराज श्री का आज आगमन हुआ, बहुत बड़ी कृपा। नित्य किसी न किसी महापुरुषों का महानुभावों का आगमन हो रहा है, हम सबको आशीर्वचन प्राप्त हो रहे हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे मध्य परम पूज्य महाराज जी विराजमान हैं। मैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में आग्रह करूंगा कि दो शब्द अपने आशीर्वचन स्वरूप हम सबको प्रदान करें। हरये नमः। श्री परमात्मने श्री गुरुचरण कमले भो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरो सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरम। मंचासीन व्यास जी महाराज, समस्त विद्वान महापुरुष, माता बहनों भगवत प्रेमी, भागवत जी की कथा श्रीधाम वृंदावन। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा। हमारे जब भाग्य उदय होते बहुत जन्मों के, एक जन्मों के नहीं बहुत जन्म, एकादशी का दिन, तब कहीं ऐसा समागम होता है। एक बड़ी सुंदर बात कही देवताओं ने, भगवान से कहा महाराज जी बहुवस्तव तवामृत कथोदवहास्त्र लोक्या पादा बनेज सरितः समलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतभिरिङ्घ मंग संगै तीर्थद्वयं शुचि सदस्पृशौ भवसागर से पार होने के लिए दो रास्ते हैं जीवन संसार में। जो जाना चाहता है दो रास्ते हैं, यदि व्यक्ति एक को भी पकड़ लेगा तो भटकेगा नहीं। एक क्या है, तब अमृत कथो दब हास्त्र लोक क्या है, गोविंद आपकी जो अमृतमय कथा है यदि कोई इसको सुन लेगा जीवन में एक बार भी, वो भवसागर से पार हो जाए। दूसरा रास्ता क्या है, पादा बने जसरिता, आपके चरणों की जो गंगा है इसमें कोई नहा लेगा वो भी पार। दो रास्ते हैं, एक कथा रूपी गंगा है, एक चरणों से निकलने वाली गंगा है। एक गंगा सुदूर जंगलों से होती, गांवों के किनारे से बहती है, और एक गंगा व्यक्ति के हृदय के अंदर से बहती है। दोनों में अंतर है।
एक गंगा बहुत दूर से बड़ी बड़ी हिलोरें आती हैं, कथा गंगा में भी बड़ी बड़ी हिलोरें आती हैं, बड़े बड़े भाव आते हैं, बड़े बड़े सुंदर भाव प्रकट होते हैं, कभी आंखें भर जाती हैं। दोनों में नहाने का प्रावधान है पर दोनों के नहाने की विधि अलग है। गंगा में बाढ़ आ गई, पानी ज्यादा है गहरा, कथा रूपी गंगा में भी बाढ़ है, पानी बहुत गहरा। अब सावधानी बरतनी है, गंगा में भी नहाना है, कथा गंगा में भी नहाना है। गंगा में नहाने की विधि है, गंगा मैया को प्रणाम करे, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, प्रणाम करके गंगा जी में नहावे तो सावधानी से नहावे, पानी बहुत गहरा है, आगे जाके डूब जाए। गंगा में नहाने की मनाही नहीं है, गंगा में तैरने की मनाही नहीं, पर गंगा में डूबने की मनाही, गंगा में डूबने की मनाही। कथा गंगा में किनारे पे आओ, प्रणाम करो, आसन बिछाओ, कथा सुनो, श्रवण पुटों से जल को हृदय में लाओ, स्नान करो, श्रवण पुटों से स्नान होगा। इसमें विधि यह है, इसमें तैरने की मनाही है, इसमें डूबने, इसमें तैरने की मनाही है, इसमें डूबने की छूट है। गंगा में डूबने की मनाही है, तैरने की छूट है। कथा गंगा में तैरने की मनाही है, डूबने की छूट है, क्योंकि उस गंगा में नहाएंगे तो मर जाएंगे, कथा गंगा में डूब के नहाएंगे तो तर जाएंगे। ये तरने का साधन है। हमारे नवोदित यशस्वी श्री गोविंद वल्लभ जी, मैं व्यास गद्दी के चरणों में बैठा हूं, हृदय से बोलता हूं कि मुझे इनकी कथा, इनका स्वभाव बहुत प्यारा लगता है, बहुत ऐसे बालक ठाकुर जी कृपा करते हैं, तभी हजारों में कोई माँ बाप ऐसे होते हैं जैसे बैठे इनके पुत्र ऐसे गोविंद जी। ठाकुर जी की कृपा से इनका पाठ, जो पाठ करेगा, मेरे गुरुदेव भगवान कहते थे जो 108 पाठ कर लेगा वो कथा की गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। इनके मूल पाठ को सुनो, जिसको पाठ याद है, जिनको पाठ कंठ है, वो भागवत की कथा कहने का अधिकारी। इनकी कथा बिल्कुल जो होना चाहिए, आज ऐसी कथा कहने वाले हजारों में कोई एक आध होंगे, मैं हृदय से बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी कथा कहता हूँ कि मूल किसी को पता ही नहीं है। अब आजकल ऐसे चल रही है जैसे अब क्या कहें उसको, क्योंकि तो सब आप वृंदावन धाम, पर मूल को जो पकड़ के चलेगा वो फूल की तरह बना रहेगा, ठाकुर जी उसको दिनों दिन। और मेरा हृदय से ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घायु हो, यशस्वी हो, ठाकुर जी खूब कृपा करें, खूब उन्नति करें। और बस इन्हीं को इतना कह के और पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में मेरा कोटिश्वर वंदन। और महाराज जी से मैं ये आग्रह एक बार और करूँगा पुनः कि अभी 3 दिन और बाकी हैं कथा में, तो इन 3 दिनों में अगर समय मिले तो हैं। और ये बहुत बड़ी कृपा करी कि पूज्य महाराज श्री कथा में पधारे और काफ़ी समय दिया कथा में, ये भी एक बहुत विशेष अनुग्रह है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने यहाँ वामन चरित्र का बड़ा सुंदर वर्णन श्रवण कराया, उसके पश्चात भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक बार जोर से बोलो राधे राधे, बोलो ना, और जोर से, और जोर से, और जोर से। जो पीछे कुर्सियों में बैठे हमारे, दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम। देखो एक बात बताऊं, ये राधा रानी का नाम ही ऐसा है, अगर दिल से लो ना तो एक अलग ही उमंग उमड़ती है। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी। देखो हमारे यहां संत भी आ रहे हैं और सेठ भी आ रहे हैं। अच्छा देखो, कथा का तारतम्य तभी ताना बाना अच्छा होता है जहां ये दोनों हों।